जितने लोग पीछे हैं सब लोग आगे आगे चल लो, सब लोग आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ। उतने दूर से क्यों सुन रहे, नजदीक से आओ ना, मैं भी तुमको देखना चाहता हूँ। सब सामने आओ, यहाँ बैठ भी सकते हैं। चेयर 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 अपनी चेयर आगे की चेयर पे आ जाओ, आ जाओ इधर। सब लोग बैठो मत, इधर आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। आओ इधर आइए, आ जाओ इधर, सामने मत खड़े रहो, ये बुड्ढे बांधे जैसे क्यों खड़े, इधर आओ सामने, चलो आ जाओ। सब लोग समोरिया, थोड़ा समोरिया। मागे जी लोक उभे आहेत की या साइडला रेलिंग वर जी पण उभे आहेत, त्यांनी इकडे येऊन बसायचंय। दादा आपल्यासाठी वेळात वेळ काढून आज या ठिकाणी आलेले आहेत। सर्वांना विनंती आहे की आपण जे आपले सुसंस्कृतपणा आहे तो आपल्या या बैठकीतून दाखवायचा आहे। चला, दादाने बोललेलं आहे सर्वांनी इकडे येऊन बसायचंय, कोणी उभे राहणार नाही। आप लोग बहुत देर से सब लोग सुन रहे हैं, सब लोगों ने भाषण किया, मलिक सर हमारे बीच में आए। मलिक सर की भाषा आप लोगों के दिमाग में आई कि नहीं आई, थोड़ा मेरे को शक है, क्योंकि मैं जब देखा मलिक सर बोल रहे थे तो कुछ लोग इधर उधर बातचीत कर रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे कि वहां यहाँ कौन आदमी बोल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कटघरे में खड़ा कर सकता है वो आदमी बोल रहा है, बिरसा मुंडा ब्रिगेड कमांडर। चीफ जस्टिस को कमेंट्स करना प्रधानमंत्री कर सकता है क्या, देश का राष्ट्रपति कर सकता है क्या? लेकिन हमको गर्व है, हमारे मूवमेंट का कैडर, हमारे मूवमेंट के संरक्षक मलिक साहब खुलेआम पूरे देश में बात करते हैं, और इसलिए वो मोमेंट के हर प्रोग्राम में आ रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, अब हमको भी उधर जाना पड़ेगा। मलिक सर ने बात करते करते बहुत बड़ी बात बोल दी जिसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। आपको मालूम है मोदी सरकार ने कृषि कानून बनाया था, कितने लोग मरे, कितने, 750 लोग मरे। कितने दिन आंदोलन चला, कितना, 1 साल तक के आंदोलन चला सरकार के खिलाफ में, 1 साल तक के आंदोलन करके 750 लोग मरे। उसके बाद में इस देश का किसान सुरक्षित हुआ, उसके लिए पूरे देश के 1150 संगठन एक जगह है, और वो 1150 संगठनों के किसान मुखियाओं को बिरसा ब्रिगेड के साथ दिल्ली में एक जगह बिठाने की बात मलिक साहब यहां पे करें। उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट पे बात नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने हमारे बीच में रख दी कि बिरसा ब्रिगेड का पूरे देश के किसान संगठनों के साथ में एक संयोजक मीटिंग, यानी उनको संयुक्त मीटिंग करने के लिए जो मलिक साहब ने बोला, ऐसी बात तो किसी ने नहीं किया अभी तक, देश के किसी नेता ने भी नहीं सोचा है। मैंने कल पेपर पढ़ा, आज भी पढ़ा मैं, कि धनगर को हटाओ, धनगर को हटाओ, ये कब हुआ, जब वो बच्चे 6 महीने से बैठे हुए हैं 5वीं अनुसूची के अधिकारों के लिए, नौकरियां मांग रहे थे, वो सेलेक्ट होने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट नहीं था, उसका इंटरप्रिटेशन महाराष्ट्र सरकार गलत कर रही है, और वो बातें वो मांग जिसके लिए नासिक में इतना बड़ा मोर्चा निकला, वो मांग को उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए तुम्हारे सामने धनगर का इशू लाए। वो सरकार में बैठे लोग बेवकूफ नहीं है, उनको सब समझता है कि धनगर आदिवासी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल चुका है, लेकिन कुछ नेताओं ने पॉलिटिक्स करने के लिए, और वो जो 5वीं अनुसूची का मूल मुद्दा है उससे आपका ध्यान हटाने के लिए धनगर का इशू आपके सामने लाया।
पांचवी अनुसूची का मुद्दा क्या है? कौन बताएगा? सिर्फ पांचवी अनुसूची के अधिकार है ये मुद्दा नहीं है। सह्याद्री के 16 क्षेत्र है, 16 विधानसभा क्षेत्र है जो पांचवी अनुसूची के बीच में आते हैं। यहां का राज्यपाल इलेक्शन कैंपेनिंग के रूप में जा रहे हैं, इलेक्शन का कैंपेन कर रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में इस राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने का भी अधिकार नहीं है, यहां के किसी आदिवासी मंत्री को भी बोलने का अधिकार नहीं है, केवल और केवल राज्यपाल बोल सकता है क्योंकि वो पांचवी अनुसूची का क्षेत्र है। लेकिन राज्यपाल मुख्य जानवर जैसे चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहा है और बाकी लोग पांचवी अनुसूची पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे नेता भी चुपचाप है, किसी नेता ने नहीं बोला राज्यपाल क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स क्या है, ये बातें क्यों हो रही है, क्यों दबाया जा रहा है बात को? आपको शायद नहीं मालूम पूरे सह्याद्री का सौदा हो गया है। सह्याद्री में पर्यावरण का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, या एटॉमिक एनर्जी के भी प्लांट्स आ सकते हैं। ये जो सह्याद्री की जमीन दिख रही है, यहां का आदिवासी असुरक्षित है क्योंकि वो फॉरेस्ट एक्ट के तहत अब उसको वो जमीन नहीं मिलेगी। जिस भंडारदरा का आप लोग बात करते हैं उसमें प्रोविजन है, कायदा है कि 33% वहां का जो पानी है वो वहां के मूल आदिवासियों को मिलना चाहिए। ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये प्रावधान है। उसके बाद भी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं करती, हमारा कोई नेता उस पर बात नहीं करता। कौन से नेता ने विधानसभा में यह प्रश्न उठाया? मौका दिए ना, कौन से नेता ने बोला 33% पानी के बारे में? किसने बात किया है? समाज को बेवकूफ नहीं बनाना है, समाज के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहना है हमको। क्या प्रावधान है पानी का, जानते हो पानी क्या है? आदि मुंबई बढ़ रही है आदिवासियों के भरोसे, इसलिए पांचवी अनुसूची का प्रश्न उठाना नहीं चाहते, क्योंकि पांचवी अनुसूची में यह प्रावधान है कि वहां के मूल आदिवासियों को वहां का 70% हिस्सा मिलना चाहिए, नौकरियों में, आर्थिक इसमें, उनका बजट अलग से बनना चाहिए। यह हो रहा है क्या? यह पांचवी अनुसूची के क्षेत्र है, यह अधिकार परिषद कोई ढोंग नहीं है, कोई इलेक्शन वगैरह का इससे संबंध नहीं है। लेकिन हमारे समाज के जो युवा है जो लड़ना चाहते हैं, मैंने उनको जानबूझ के बोला भाई आइए, लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं ज्यादा अपेक्षा नहीं करता कि कोई नेता बनेगा और कुछ कर देगा, मैं अपेक्षा नहीं करता क्योंकि रिजल्ट नहीं आए अपने सामने। वैसे राजकारण से समाज का उतना ही भला हो सकता है जो ऊपरी दिखते हैं। आप राजकारण से आपके कपड़े बदल सकते हैं, आपके शरीर का अंदर का पार्ट नहीं बदल सकते, उसके लिए आपको समाजकारण की तरफ ही जाना पड़ेगा। तकलीफ ये है, मैंने कल सुना हमारा नेता ऊपर से कूद गए, अब अगर वो कूद गए उनको कुछ हो जाता क्या होगा उससे? क्या होता है? कूद गए, नेताओं को कूदना पड़ रहा है। क्या मैसेज जा रहा है कि आदिवासी नेताओं को कूदना पड़ता है अपनी मांगों के लिए? अरे नेता के ये हाल है तो आम आदमी के क्या हाल होंगे? आदमी आम आदमी क्या करेगा? नेता कूद रहा है, आम आदमी क्या करेगा? ये सोचने लायक बात है। मेरा ध्यान उस तरफ है, ये सह्याद्री के जो पहाड़ों पे अपनी बस्तियां हैं,
आपको पता भी नहीं चलेगा जो फॉरेस्ट एक्ट पास हुआ है अगर उसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो 6 महीने में इतिहास के साथ खत्म हो जाएंगे हम। उस फॉरेस्ट एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं बिरसा ब्रिगेड, सड़े से आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं तो करोड़ लाखों रुपए वो चंदा ले रहे हैं, आरएसएस का कार्यालय बना रहे हैं, चंदा देता है अपना ऑफिसर, ये बोगस आदिवासी का प्रश्न है। अबे ये तो तेरी सबसे बड़ी लड़ाई है, भारत में आदिवासी अधिकारों से संबंधित सबसे बड़ी लड़ाई बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से लड़ी जा रही है। इसमें कलेक्शन नहीं लगेंगे, अकेला हम लोग हमारे साथ में अभी खड़े हैं, सबके सामने बोल रहा हूं मैं, मलिक साहब को पैसा भेजने के लिए भी चंदा करना पड़ता है, वो भी मुश्किल से देते हैं लोग, उनको समझना नहीं है कि ये कौन सी लड़ाई है, ये लड़ाई हार जाओगे तो आपके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इस लड़ाई के माध्यम से हमने ये साबित किया है कि इस देश में नहीं विश्व में जंगलों के बगैर आदिवासियों की परिभाषा नहीं की जा सकती है और आदिवासियों के बगैर जंगल की परिभाषा नहीं की जा सकती है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश ने विश्व के लिए। साथियों ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी लड़ाई, ये अपने जनरेशन की सबसे बड़ी लड़ाई है, आपकी विधानसभा का कोई लेना देना नहीं, कोई नेता बात नहीं कर रहा इस पर। फॉरेस्ट एक्ट पे मेरे को लगा ही नहीं महाराष्ट्र का कोई आदिवासी नेता इस पे बात किया होगा, कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार ने तुम्हारे गले पे छुरी रख दी है, कभी वो एक्ट पढ़ो जिसको स्टे किया गया है, उससे क्या क्या खत्म होने वाला है, कौन सी चीजें खत्म होने वाली है, तुम्हारे आठवीं पांचवी अनुसूची अधिकार अधिकार ये तुम छोटी चीज हो गई, आपको तो पूरी जड़ से खत्म कर रहे हैं। उस पूरे एक्ट में आदिवासी शब्द नाम की कोई चीज नहीं है, वो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं भाई। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया मलिक साहब से मिलने के लिए, फाइल लेके गया, मैं खुद पिटीशन बनाया हूं, मलिक साहब को बोला साहब मेरे पास जो जानकारी है जो नॉलेज है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, पूरी पिटीशन बनाया। मैं जा रहा था तो मेरे को 4-5 पत्रकारों ने कमेंट्स किए, किसके खिलाफ लड़ने जा रहा है समझ रहा है क्या, बच्चों के क्या आप? तो मैंने बोला यार हम तो वैसे मरे हुए लोग हैं। बोले आपका कोई भी आदिवासी समाज का आदमी इसके खिलाफ में नहीं आया है, आप कैसे आ गए हैं? मैंने बोला भैया मेरे को जो समझा जो जी रहा हूं मैं, जितना मैं पढ़ता हूं जितना मेरे मोमेंट को मैं देता हूं उससे ऐसा लगता है कि ये आखिरी लड़ाई है हमारी, ये आखिरी जनरेशन द्वारा यानी अपनी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है, अगर ये नहीं जीतेंगे आप खत्म हो जाओगे। पूरे आदिवासी लैंड ओपन के उच्च वर्णीय लोगों को ट्रांसफर हो गया है, इस पर आरएसएस कुछ नहीं बोलता, पूरी जमीनें तुम्हारी खत्म हो जाएगी, आमदार बनना फार्मदार बनना खासदार बनना मिनिस्टर बनकर राष्ट्रपति से बड़ा पद है क्या कोई? इस देश में आपकी राष्ट्रपति है, आदिवासी राष्ट्रपति है, फॉरेस्ट बिल पे एक शब्द नहीं बोली मलिक सर, मणिपुर की घटना पे एक शब्द नहीं बोली, वो खुद को आदिवासी बोलने से डरती है, राष्ट्रपति बनने के बाद भी तुम्हारा आदमी अपने स्वाभिमान अपनी पहचान अपने अधिकारों पे बात नहीं कर सकता है, आपकी क्या हालत रहेगी, किस तरफ जा रहा है डेमोक्रेसी, क्या हालत है आदिवासियों की? यह ऐतिहासिक बात है कि आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाते हैं ये लोग, सड़क पर नंगा घुमाते हैं, इंटरनेशनल इसमें लेवल पर वो उस चीज को देखी जाती है, आदिवासी लड़कियां सड़क पे नंगे घुमाते हैं, सड़क पे खड़े करते हैं और उनको फायर कर रहे हैं। ऐसा हुआ क्या कभी कोई दूसरे समाज का वीडियो, कोई दूसरे समाज के साथ ऐसी घटना हुई क्या? आपकी
भी आदिवासी राष्ट्रपति, वहां की राज्यपाल भी आदिवासी महिला, और महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, उस पर चुप। सिर्फ मोर्चा निकाल दिया, गांडूगिरी की हद होती है। मानसिक नपुंसकता जिसको बोलते हैं, अभी बलराज सर, मलिक सर ने बोला, वो हर गई, हमारे बीच में आ गई है। क्यों नहीं बात करती है आपकी पार्टी, क्यों नहीं बात करते हैं इस संबंध में, क्या हुआ उस घटना का, उस पर किस पर एफआईआर की है, या इस देश के आदिवासियों को डराने के लिए वो दिखाया गया था कि अगर तुमने अपने अधिकार मांगे तो तुम्हारी बहनों के साथ, तुम्हारी मां के साथ, तुम्हारे साथ भी यही होगा। उस पर विचार कर रहा है सब के। ये तारा आमदार बनवाए चाहे, तारा खासदार बनवाए चाहे, मंत्री बनवाए चाहे, ठीक है, राष्ट्रपति बनवा तू बन लिया है, काय भेटलं। ये आपका सामाजिक प्रश्न सबसे बड़ा है कि राष्ट्रपति आपकी है, राज्यपाल आपका है, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में क्या हल निकालोगे ये बताओ। जो हल निकालेगा वो नेता। महाराष्ट्र में कौन सा आदिवासी नेता है जो इसकी हल निकालने की बात करता है? देश में कौन सा आदिवासी नेता है जो इस पर हल निकालने की बात करता है? कैसे फंसे हुए हो आप लोग, ये नहीं समझ रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूं, सिर्फ 6 महीने लागू हो जाए ये फॉरेस्ट बिल, इस देश में इतिहास के साथ आदिवासी खत्म हो जाएगा। कितने लोगों को मालूम है ये फॉरेस्ट बिल पे बिरसा ब्रिगेड ने केस डाला, इस पे स्टे लाए, मलिक साहब को पूरे देश में घुमा रहा हूं मैं, क्या मलिक साहब को इलेक्शन लड़ना है क्या? क्यों आ रहे हो? वो इसीलिए आ रहे हैं कि इस समाज को विश्वास दिलाना है कि लड़ाई चालू है। ये ठीक है, आपको सिस्टम में जाना है, ठीक है, लेकिन इस सिस्टम का जो कैरेक्टर है वो तो समझो। आरएसएस के एक नंबर के दुश्मन बन गए आदिवासी। आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी, मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, ऐसी थ्योरी खड़ी कर दी गई है। किसानों ने कुछ किया तो अलगाववादी। आपको मारने का परमिशन नहीं है, अगर आपको नक्सलवादी बोल दिए तो मार देंगे, आप आतंकवादी बोल दिए तो मार देंगे। क्या चल रहा है, कैसी स्थिति में है समाज? महाराष्ट्र का आदिवासी मिनिस्टर, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री गडचिरोली की सिचुएशन में बात कर रहा है, सुरजागढ़ के बाद अभी वो माइनिंग की बात कर रहे हैं, वहां के बच्चों के साथ, उनका वहां का पर्यावरण, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे। 5वीं अनुसूची में है, उसमें एग्जाम्स भी लेने का अधिकार है गवर्नमेंट को, नहीं ये राज्यपाल ऑर्डर कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद भी राज्यपाल उसका इंटरप्रेट करके उन बच्चों को नौकरी दे सकता है। कल एक सेटलमेंट हुआ कि वो बच्चों को हम दे रहे अपॉइंटमेंट, लेकिन टेम्पररी बेसिस। ये क्या दे रहे तुम उसको, टेम्पररी नौकरी क्यों दे रहे? वो तो परमानेंट नौकरी का हकदार है। महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र अपने नए नेता बनने वाले हैं, कोई भी बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी का 18% जो इकोनॉमी है वो नासिक पुणे जिले से जारी है, और वो आदिवासियों के दल में फिफ्थ शेड्यूल की है। इतना बड़ा MIDC है इगतपुरी में, उधर जाओ तुम, वो बेल्ट में MIDC है, सबसे ज्यादा दारू की फैक्ट्री है, सबसे ज्यादा पानी है, पूरा बंबई आपका पानी पी रहा है, बंबई देश की आर्थिक राजधानी है, और इस आर्थिक राजधानी का जो मालिक है वो आदिवासी है, और वो भूख से मर रहा है, पानी नहीं है उसको, खेती नहीं कर पा रहा है, मजदूरी करने के लिए दूसरी तरफ जाता है, सिर्फ 3 महीने की खेती करता है। क्या सोल्यूशन निकालेंगे बताओ? केवल इसके लिए नेता की जरूरत नहीं है, इसके लिए पूरे समाज की जरूरत है। हल निकाल
निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, कौन कौन निकालता है इस साल, चलो उसके घर पे जाते हैं, कौन से नेता में दम है इसका रास्ता निकालने के लिए। सब लोग अपनी अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, सब अपने अपने सुरक्षा में लगे हुए। तू मर, मरने का काम है तू कर, जीने का काम मैं करूंगा। तू लड़, मैं कपड़े संभालता हूं। साथियों, ऐसी भयानक परिस्थिति में ये अधिकार परिषद का आयोजन कर रहे हैं। ये तो बेचारे नए हैं, नेता बनने वाले हैं, जो बन गए उनके बारे में क्या, इनको क्या दोष लोगे, इनसे क्या अपेक्षा कर लेंगे हम, कैसी स्थिति है। कोई बात नहीं कर रहा है आपके बारे में, राज्यपाल बात नहीं करता है पांचवी अनुसूची के क्षेत्र के बच्चों के बारे में, उसको कानूनन तरीके से राज्यपाल का जुरिडिक्शन है सर, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नो मिनिस्टर एंड सीएम ऑल्सो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्सन, दोज हु आर लाइंग इन द फिफ्थ शेड्यूल, जो फिफ्थ शेड्यूल के लोग है उसके लिए राज्यपाल जवाबदार है। पांचवी अनुसूची का क्षेत्र है ये भी, है कि नहीं? कितने बार राज्यपाल आया, कितने बार राज्यपाल ने बोला, आपको मालूम है पांचवी अनुसूची के रोजगार के अधिकार, आर्थिक अधिकार, इसको सरकार बैन कर दिए। वो बोल रहे हैं तुम धनगर पे बात करो, लेकिन पांचवी अनुसूची पे बात मत करो, क्योंकि बॉम्बे की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस पे क्यों नहीं बात करते यार, क्या सलूशन है? ये कायदा पास कर दिए, इतने बुरे तरह लोग फंसे कि हमारा राष्ट्रपति भी है तो चुपचाप है, वो भी बोल नहीं पा रहा, नेता बोल नहीं पा रहे, सब डरे हुए। इतने बड़ा कानून पास करके रख दिया, वो तो अच्छा हुआ कि उसको स्टे मिल गया, लेकिन स्टे ज्यादा दिन नहीं रहेगा, कल फिर से शुरू होगा, वो होने वाला है, कल स्टे वैकेट हो गया तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस पर बात करो। साथियों, आपके पूरे संवैधानिक अधिकारों को पहचान के साथ समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है इस देश में। आपको बोला जा रहा है वो ठेकेदारी की नौकरी, आपको बताया जा रहा है वो, मैंने सुबह सुबह बैंक में देखा अपनी महिला है बेचारे लाइन लगा के खड़े हैं, ये कौन सी जगह से पैसा आया है, वो लालली महिला का आदिवासी बजट से आया बोलते, तो आदिवासी बजट से आया तो आदिवासी नेता क्या कर रहे हैं? ये क्या बात हो गई? और कोई जो सत्ता में वो नेता नहीं, जो विपक्ष में वो भी नेता क्या कर रहा है? मैं, मेरा विषय समाज है, मैं अगर कोई आमदार बनना चाहता है तो वो बने, लेकिन मेरे को ऐसा लगेगा कि वो समाज का आमदार बने, पार्टी का आमदार ना बने। मिशन की ये सोच है। साथियों, ये अधिकार परिषद एक बहाना है, इसके माध्यम से समाज में गंभीरता खड़ी करनी है कि समाज जवाबदार है। पांचवी अनुसूची का क्षेत्र है, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पार्टियों की जरूरत नहीं, सिर्फ समाज ने सामाजिक फैसला कर लिया तो हम लोग आमदार बना सकते हैं, हम लोग खासदार बना सकते हैं। वो पार्टी जो आदिवासियों पे बात करती है उसने अपना एजेंडा सामने रखना चाहिए, समाज से बात करना चाहिए। आज के दिन इस परिषद के आड़ में हमको अपने सामाजिक प्रश्नों का हल निकालना है, जो राष्ट्रीय परिस्थिति हमारे साथ गंभीरता से जुड़ी हुई है, उस परिस्थिति में अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मूवमेंट के लड़के छत्तीसगढ़ में, कम से कम ऐसे कई मूवमेंट के लड़के जिनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर दिया गया, वो जेल में पड़े हैं, गढ़चिरौली में पड़े, झारखंड में पड़े, जहां बिरसा ब्रिगेड की शाखा है, ऐसी जगह हमारे लोगों के लिए, हमारे सामाजिक माध्यम से, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से हम अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उस पर सोचने की जरूरत है। कि राजनीति बहुत अलग है, आपको आपके संवैधानिक सामाजिक अधिकारों को बचाने के लिए सामाजिक लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी और संवैधानिक तरीके से लड़नी पड़ेगी। आपका आंदोलन मजबूत नहीं था करके अपन सुप्रीम कोर्ट में गए,
इस आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट में उस मैटर को रखते हुए पूरे देश भर में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उसी का हिस्सा था कि मलिक साहब ने बोले कि अब आदिवासियों के साथ में देश के जितने किसान संगठन हैं उनका गठबंधन होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ में आंदोलन खड़ा होना चाहिए। आप लोग तैयार है? आपको विश्वास है मूवमेंट पर? अगर आपका सामाजिक विश्वास इस मिशन पर रहेगा तो ही कुछ रास्ता बन सकेगा। साथियों, मेरे लिए, आपके लिए, आप किसी भी पार्टी में हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। समाज के लिए क्या, इस परिस्थिति पर तुम्हारे क्या विचार है, हम कैसे बाहर निकलेंगे इससे, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा रास्ता हम लोग बना सकते हैं, उस तरफ सोचने की जरूरत है। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जिंदगी भर मिशन के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा। केवल राजनीतिक तरीके से आपको डिपेंड नहीं होना है, अपनी सामाजिक ताकत को दिन ब दिन बढ़ाना चाहिए। हमने नेता को बोले बैठ तो सो जाना चाहिए नेता, वो तैयारी करो, समाज की ताकत दिखाओ। पार्टियों की ताकत से डरने की जरूरत नहीं है, पार्टी ने समाज से डरना चाहिए, नेता समाज के बीच में से जाएगा, समाज के आशीर्वाद से नेता बनेगा। समाज को इतना श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको काम करना है। ये जो अधिकारों का मसला है, ये हमारे साथ आदिवासियों के साथ किसी भी पार्टी की सत्ता है, सब लोग हमारे साथ खिलवाड़ी करते हैं, हर बार यही होता है। लेकिन इस बार मिशन ने कुछ अलग प्लानिंग करके रखा है। हर विधानसभा में मीटिंगें हो रही है, हर विधानसभा में काम चल रहा है। आज के दिन गढ़चिरौली में, मेलघाट में, हर जगह बिरसा ब्रिगेड की सभाएं हो रही यही प्रश्न को लेकर, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं राजूर में आऊंगा। मेरे को पार्टी सर ने, नवनाथ लांगे और यहाँ के आयोजक लोगों ने बोला था, पिछली बार ही कार्यक्रम था, मैं कुछ मामले में परेशान हो गया था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी करके मैं नहीं आ पाया। आपने वो प्रोग्राम को पोस्टपोन किया, आज रखे, और आज भी आपकी उपस्थिति उतनी अच्छी है। मैं पूरे मिशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, 3 प्रश्न अपने दिमाग में लेके जाओ कि हमारा सामाजिक अस्तित्व भारतीय ने महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ है या नहीं है। दलितों के साथ क्यों नहीं हो रहे, सब लोग आदिवासी के आरक्षण में क्यों घुस रहे हैं, क्योंकि इसका सामाजिक अस्तित्व कमजोर है। आदिवासी के साथ कुछ भी हो जाता है, फॉरेन के आदमी आते हैं जमीन देने के लिए, लेके जाते हैं तो आदिवासी के दिखाते हैं। मैंने एक नेता को पूछा, यार तुम हमारी जमीन पे काम कर रहे हो, दूसरी कोई जमीन नहीं दिखती क्या? मैं हमेशा पूछता हूं कि आदिवासी की जमीन पे भी गेहूं होता है, चना होता है, दाल होती है, और गैर आदिवासी उच्च वर्णियों की जमीन पर भी, पाटिल की भी जमीन पे सर चना होता है, दाल होता है, फिर उसकी जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए एकड़ और आदिवासी की जमीन की कीमत 10 लाख रुपए एकड़, क्यों क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? ये जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, ये भारत का जो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत अलग तरीके से अलग जगह जा रहा है। मेरे लिए, आप तमाम लोगों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र को हम समझें। सत्ता परिवर्तन होने से हमारे प्रश्नों में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, प्रश्न तो वही रहे। हम अपने प्रश्नों के बारे में कितने गंभीर हैं, हम अपने समाज के बारे में कितने गंभीर हैं, हम अपने अधिकारों के बारे में कितने गंभीर हैं, यह महत्व का प्रश्न है। आप लोग एक अलग लाइन लेकर, एक अलग विश्वास लेकर इस अधिकार सभा में आए हैं। मिशन का हर एक कार्यकर्ता, मिशन का छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, मेरी सब लोगों से विनती है
कि अब तक के जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब सामाजिक निर्णय पर भी राजनीति होनी चाहिए। हम समाज की ताकत सामने रखेंगे फिर राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि जिस समाज का समाजकरण नहीं होता उस समाज का कोई राजकरण हो नहीं सकता। हमको समाज के लिए सोचना है, ये मिशन आपको समाज की सोच देता है, ये मिशन आपको समाज के अधिकारों के बारे में बताता है, ये मिशन आपको सामाजिक अधिकारों का और उसका संघर्ष के बारे में आपके सामने अपने विचारधारा को रखता है। आज के दिन आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैंने आपको वन अधिकार बिल के बारे में बताया, फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बताया, ये ऐसे प्रश्न है हमारे जो सबसे जटिल है। इसको छोटी मोटी सत्ता के सहारे आप हमारे अधिकारों के प्रश्नों को नहीं हल कर सकते, इसके लिए हमारे सामाजिक ताकत की जरूरत पड़ेगी और ये ताकत राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी रहनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग इतने देर से बैठे इस बात को समझे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको समझ रहे हैं या नहीं? समझ रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को जवाबदार समझो। दादा हमारे बीच नासिक लोकसभा शिरडी लोकसभा मतदार संघ के खासदार साहब भी आए हैं और यहाँ के स्थानीय एमएलए किरण जी लहामटे भी मौजूद है, जिनको बिरसा ब्रिगेड ने पूरी तरह से ये लोकसभा में पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी रही थी। आज वो अपने मंच पर आए, उनका बिरसा ब्रिगेड की ओर से हम पूरी धन्यवाद देते हैं। मैं इलेक्शन में पहले देखा था साहब, मैं बांगवी साहब के प्रोग्राम में आया था, तब आपसे मुलाकात हुई। आप लोग एक ईमानदारी से समाज के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक सामाजिक ईमानदारी और एक सामाजिक जवाबदारी। अपनी भूमिका समझो, अपनी सामाजिक भूमिका समझो, आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस प्रकार से आपको समाज को और अपने अधिकारों की तरफ, अपने सामाजिक आंदोलन की तरफ जाना है। साथियों, समाज सबसे बड़ी चीज है मेरी नजर में। समाज नेता से बड़ी चीज है, पार्टी से बड़ी चीज है, समाज अपने जीवन से बड़ी चीज है। अगर ये बात सच नहीं होती तो राघो जी भांगरे, बिरसा मुंडा, टंटे भील, हमारे कातकरी, नागर कातकरी, ये जितने भी हमारे शहीद हैं, ये अपनी जान नहीं देते समाज के। अपने बच्चे से बोलो कि मेरे लिए बेटा तू 3 महीने की जेल में चले जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। जब भी मलिक साहब जो बता रहे थे आप, ये जो पूर्वजों की लड़ाई थी, इस लड़ाई ने तुमको जमीन का मालिक बनाया। इस लड़ाई के वजह से तुम्हारे पास 5 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ जमीन है। ये तो पेशवाइयों ने छीन ली थी आपसे। आदिवासियों को 1911 के पहले आपके रिकॉर्ड देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा पूछता हूं, अरे बाबा एक भगवान का नाम बता जिसने तेरी जमीन को, तेरे को जमीन का मालिक बनाया। कौन से भगवान ने तुमको जमीन दी? तो वो चुपचाप हो जाते हैं, वो भगवानों के फोटो वोटो इधर उधर ताक झाक करते हैं। अब रियल भगवान ये है जिन्होंने तुमको जमीन का मालिक बनाया, इस देश का मालिक। मोदी जी जाते हैं, कुछ लोगों को बोलते हैं, अच्छा अच्छा मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं भारत देश का प्रधानमंत्री हूं। अगर मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं और मान लो उसके सामने एक लंगोटी वाला आदिवासी खड़ा हुआ नंगे बदन और बोला, मोदी जी नमस्ते, आप जिस देश के प्रधानमंत्री हो उस देश का मैं मालिक हूं, आप हम वो हैं, आप इस जमीन के जंगल के मालिक हैं, अपनी मालकियत को बताओ, छुपाओ, ये खुलेआम आपको आदिवासी नहीं वनवासी बोल रहे हैं। ये सोच है, एक षड्यंत्र है, तुम्हारी पहचान खत्म करने का षड्यंत्र है। इसको समझो, पहले तुमको मूल आदिवासी बोलते, मूल निवासी, फिर आदिवासी, अभी वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। ये कार्यक्रम फिक्स है उनका, इन लोगों से आपको बचना है।
जब तक राघोजी भांगरे का आंदोलन था, मैंने उस दिन दिल्ली में एक बात बोला, सब लोग चुपचाप हो गए। वहां पे कुछ इतिहासकार लोग जो है एनसीईआरटी में बात कर रहे थे, मैंने एक बात बोला कि आदिवासी महिलाओं को चाहे ठाकर हो, महादेवपुरी हो, वाली हो, बाकी लोग हो, इनको ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देना पड़ता था। ये मैं ऑथराइज तरीके से बोल रहा हूं। हमारी मां बहनों को उस वक्त ब्लाउज पहनने के लिए टैक्स देना पड़ता था। उस लड़ाई को लड़ा है राघोजी भांगरे ने। आज हमारे बदन पे कपड़े हैं इन्हीं की वजह से। ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में आंदोलन करने वाले लोगों को यह समाज नेताओं के विचारों से नहीं, शहीदों के विचारों से ही बच सकता है। आपके पास कोई पर्याय नहीं है, कोई धर्म पर्याय नहीं है आदिवासियों के लिए, केवल उनकी विचारधारा, उनकी संस्कृति उनका आखिरी पर्याय है। साथियों, ये आंदोलन शहीदों के विचारों पे खड़ा है। इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत राघोजी भांगरे है, टंटा भील है, बिरसा मुंडा है, बाबूराव शर्मा के है, गडकरी हमारे नागा गडकरी है, ठाकर है। अरे ये जो हमारे शहीद है यही हमारी ताकत है, कोई भगवान की ताकत आके हमको बचाने वाली नहीं है। इसी ताकत के भरोसे, इसी विचारधारा के भरोसे, इसी प्रेरणा के भरोसे आपको समाज के लिए काम करना है मेरे भाइयों। उसी समाज का डेवलपमेंट हुआ है, उसी समाज का विकास हुआ है जिस समाज के पीछे मिशन है। जिस समाज के पीछे कोई सामाजिक मिशन नहीं है उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उस मिशन के लिए आपको काम करना है, उस सामाजिक मिशन के लिए काम करना है। अगर अपने अधिकारों को कायम रखना चाहते हो तो आज के दिन जितने बिरसा ब्रिगेड के कैडर हैं उनसे मेरी विनती है, फॉरेस्ट एक्ट पे बात करना शुरू कर दो। ये आखिरी षड्यंत्र है तुम्हारे संविधानिक अधिकारों को अस्तित्व के साथ समाप्त करने का, आदिवासी अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र आरएसएस और मोदी सरकार ने जो रचा है वो है फॉरेस्ट एक्ट। उसकी जितना मिसाल है, मलिक साहब जो सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं, इस पे स्टे लाए, वो कानून 6 महीने भी अगर रह गया तो आदिवासियों का अस्तित्व, उनके पहचान और इतिहास के साथ खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी लड़ाई, अब तक के आदिवासी अधिकारों से संबंधित सबसे बड़ी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। साथियों, आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आपके मानसिक सहयोग की, आपके आर्थिक सहयोग की, आपके शारीरिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। वक्त आया तो इस देश में हर राज्य में आदिवासियों का सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये लाइन अब दूसरा कोई रास्ता अपने सामने बचा नहीं है। इस गवर्नमेंट में आपका कुछ भी नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी बात रखने वाला नहीं। अबे रहा का राष्ट्रपति होने के बाद, आदिवासी राष्ट्रपति होने के बाद वो खुद को आदिवासी नहीं बोल पा रही, इससे ज्यादा दुखदायी बात क्या हो सकती है। वो खुद के आदिवासी नहीं बोल पाई, वो तुमको बधाई नहीं दे पाई आदिवासी दिवस की। ये हालत कर दी है हमारे, अब क्या बनाएंगे तुमको? राष्ट्रपति से कोई बड़ा पद है? पार्टी कोई भी नहीं। ये मणिपुर की घटना ने हमको सिखा दिया है कि हमारी इस देश में औकात क्या है। उस घटना से सबक लो, तुम्हारी परिस्थिति क्या है इस देश में। राष्ट्रपति छोड़ो जी, प्रधानमंत्री ने अभी तक के पार्लियामेंट में 10 मिनट नहीं बोला उस पर। वर्ल्ड ने, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस घटना की लोगों ने निंदा की, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। किसके भरोसे खड़े रहेंगे हम? कौन है, कौन आपको इस चक्रव्यूह से कौन बचाएगा? चलो कौन सा नेता है उसका एड्रेस दो, मैं घर पे जाता हूं, उसके पैर पड़ता हूं, अगरबत्ती लगाते उसको। इतनी भयानक परिस्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं। इस
सामाजिक समस्या का हल हमको सामाजिक रूप से ही निकालना पड़ेगा। पूरे देश में आदिवासियों की नेटवर्किंग खड़ी करनी पड़ेगी। जो मलिक साहब ने बोले कि पूरे किसान आंदोलन का कोऑर्डिनेशन आपके साथ में हम लोग खड़ा कर रहे हैं, साथियों ये मामूली बात नहीं है, इसके लिए जिंदगी लगती है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सड़क पे आना पड़ेगा, उसकी तैयारी हम सब लोगों को करनी पड़ेगी। यही मैसेज देने के लिए कार्यक्रम था, इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य वगैरह नहीं था भाई, इसका मेन उद्देश्य यही है। आप लोग समझदार हो, आप लोग जवाबदार हो, मैं यही सोच के आपके बीच में इतनी बातें किया। आप लोगों के माध्यम से मिशन के लिए, समाज के लिए क्या हो सकता है आपने करना चाहिए। आप कैसे हल निकालोगे, मैं हल निकाल के जाऊंगा कोई मतलब नहीं है, अपने दिमाग में भी थोड़ा भार आना चाहिए, अपनी ताकत होना चाहिए, नहीं तो अभी एक बीमारी लग गई है मन में, मैं फलाना अध्यक्ष, मैं फलाना सचिव, मैं राज्य का सचिव, अबे तेरे को अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, यहां कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेगा। तुम लोग इस पर सोचो, थोड़ा ब्रेन का उपयोग करो, थोड़ी समझ, थोड़ा नॉलेज, और किसी भी चीज पे गंभीरता से विचार करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे में आप लोगों से विनती करता हूं, आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सभी नेतागण यहां पर आए हैं, सभी लोग अपने बीच में हैं, सब लोग जहां मिलते हैं वो मीटिंग अच्छी होती है, क्योंकि वो भले कुछ भी रहे वो खाने में सभी परोसा हुआ रहता है, सब टेस्ट रहता है। आप लोग आज की हमारी जो सामाजिक सभा थी, अधिकार सभा थी, ये सफल हुई मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपके इतने देर से बैठने की कैपेसिटी, 4 घंटे आप लोग बैठे हैं, मामूली बात नहीं है। सब लोगों से मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने आपका कार्यक्रम वो पिछली बार नहीं कर पाया, मैं आया जो बात मैं रखने के लिए आपके बीच में आया था मैंने वो ईमानदारी से आपके बीच में रखा, जो सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ बतानी थी वो बताया मैं। हर समाज फंसा हुआ है, अपनी सामाजिक जवाबदारी को समझो, हमारे दुश्मन दोस्त ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये चीज़ें अगर आप लोग समझेंगे तो ही कुछ रास्ता आप लोग निकाल पाएंगे, नहीं तो यहाँ के मराठाओं की भी हालत बहुत खराब है, यहाँ के OBC की भी हालत बहुत खराब है, दलितों की भी हालत खराब है, मुस्लिमों की भी हालत बहुत खराब है, कोई सामाजिक सलूशन नहीं निकाल रहा। राजनीतिक हल तो कोई भी निकालता है जी, सामाजिक हल निकालने वाली दुकान पे चलो, क्योंकि हमारा सामाजिक अस्तित्व खतरे में है, राजनीतिक नहीं। जिस समाज का सामाजिक अस्तित्व होता है उसका राजनीतिक अस्तित्व होता है, जिस समाज का सामाजिक अस्तित्व ही नहीं होगा उसका राजनीतिक अस्तित्व कैसे होगा भाई। आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ महाराष्ट्र में जिन जिन विधानसभा में आदिवासियों की ताकत है, मिशन ने उसको टारगेट किया, पूरे महाराष्ट्र की 288 सीटों में से करीब 79 सीटों पर मिशन का यानी काम है, और हमारे आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में हैं, हम लोग बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उन पूरे इसमें से आधी, कम से कम आधे विधानसभाओं का दौरा हम लोग किए हैं, वहाँ सब जगह अधिकार परिषद का आयोजन किए, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको मिशन का एजेंडा सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी आपको एक लाइन समझ में आ जाएगी, आप लोग सामाजिक रूप से मिशन पर विश्वास करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ, और मैं यहीं रुकता हूँ। जय आदिवासी।